मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। हार मानती तो यहाँ तक नहीं आती, नहीं आती, सही बात, बिल्कुल नहीं आती। ये आंसू इसलिए है क्योंकि ये सपने के आंसू हैं जी। ये रोने के और हिम्मत हारने के आंसू नहीं है। मैं सोनू से, सर आप ये वीडियो देखें प्लीज, मुझे मुंबई आने का मौका दे, मैं इस टैलेंट को दिखाना चाहती हूँ दुनिया के सामने। बस ये रहेगा कि मुझे एक सपोर्ट की जरूरत है, आपकी हाथ की जरूरत है सर। हमें और जीने की चाहत ना होती, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। देहरादून में भी इंडिया टैलेंट ऑडिशन दी हुई, जिसे पैसे मांगे गए थे मुझसे, तो मैंने दे पैसे मांगे गए, हाँ, तो इसी वजह से मेरा रुक गया। सो एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। अभी हम पटना में है बापू सभागार में, और अभी अंदर जो है प्रोग्राम चल रहा है सोनू सूद जी का। और आपको मैं बता दूं, आप देख रहे हैं सोनू सूद जी पूरा स्माइल देते हुए, इनका फोटो है। और इनसे मिलने के लिए उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक लड़की आई, एक बहन आई है, एक फरियादी है सोनू सूद से, इनका जो है कुछ फरियाद है, कुछ मदद के गुहार के लिए ये आई हुई है। आइए हम इनसे जानते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी समस्या क्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इतना दूर से पटना में आना, वो भी अकेले लड़की का, वो संभव नहीं है। आइए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप उतना दूर से आई हैं, क्या समस्या है आखिर आपकी? सर मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा समस्या आई, और मैं बहुत कोशिश, बहुत ज़्यादा अपना अपने पे एक्सपीरियंस करके बाद मैंने सोचा कि मैं मुंबई तो जा नहीं पा रही हूँ, और सोनू सर पटना में आ रहे हैं तो टाइम है, मैं मिल सकती हूँ। और सबसे मेरी ये समस्या है कि मैं म्यूज़िक में बहुत सारे कॉम्पिटिशन में दी हूँ, और मेरा रुक गया पैसे की वजह से। म्यूज़िक में आप क्या करती हैं? मैं म्यूज़िक में सिंगर बनना चाहती हूँ। और मैं सिंगर हूँ, मैं मतलब बहुत सारे ऑडिशन दी हूँ, मैं देहरादून में भी इंडिया टैलेंट ऑडिशन दी हूँ, जिसे पैसे मांगे गए थे मुझसे, तो मैंने पैसे मांगे गए, हाँ, तो इसी वजह से मेरा रुक गया सो। और घर के लोग कहे कि नहीं म्यूज़िक छोड़ दो, बहुत सारे, मैंने बोला नहीं मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं मुंबई जाऊँगी अपना ऑडिशन देने जी। तो मेरे पास कोई ऑप्शन है कि मैं मुंबई में जाऊंगी तो कहाँ रहूंगी। उसके बाद मुझे आया आइडिया कि हाँ सुनो सर कुछ मेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो गरीबों का मसीहा है और सबकी मदद करते हैं। तो मैं सोची कि नहीं कुछ तो बस सर हमको वहाँ रहने के लिए कुछ व्यवस्था कर देंगे, जैसे मैं वहाँ ऑडिशन दूंगी, अपनी खुद की मेहनत करूंगी कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है। और इसी फरियाद में मैं आई थी पटना मिलने सर से, लेकिन मेरी किस्मत जाने मैं पास भी सर के थी, मुझे बहुत मैंने कोशिश किया लेकिन मुझे सर से मैं मिल नहीं पाई, इसीलिए मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि किस्मत की होती है, हो सके ईश्वर इससे अच्छा लिखे हो, इससे अच्छा मौका मिले और मैं जाऊं वहां तक पहुंचूं, खुद सर मुझे बुलाए। और मैं मुंबई जाना चाहती हूं अपने सपने पूरे करने के लिए, और मैं इसी समस्या से आई थी सर से मिलने स्पेशली कि सर मैं आप बता देते तो मैं इस डेट के आती और मैं अपना ऑडिशन देती हूँ। तो यही मेरा मेन प्रॉब्लम था, बट मैं मिल नहीं पाई। और मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं गाना गाऊंगी कि आप लोग इससे शेयर करेंगे जरूर, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करेंगे, और बहुत सारे बिहार के लोगों को दिल से धन्यवाद जो सपोर्ट करने सपोर्ट के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा बिहार में आके, क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ, और उत्तर प्रदेश से गोरखपुर आना एक लड़की के लिए बहुत आम, मेरे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, मेरी फैमिली में मेरे मामा मेरे जीजा कोई नहीं सपोर्ट करना, बस एक मम्मी की उम्मीद थी कि नहीं बेटा ठीक है मुंबई अकेली लड़की, बताइए आप ही सब बताइए मुंबई अकेली लड़की कैसे जाएगी, कोई जा पाएगी, कोई हल है नहीं है, तो आप बताइए अगर लड़की मुंबई नहीं जा पाती तो पटना तो आ सकती है, सुबह अगर बैठे तो आ सकते हैं। मैं 5 बजे आ गई सर से मिलने के लिए, बट मुझे नहीं मौका मिला,
लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं मीडिया के माध्यम से सर के पास ये पहुंचाना चाहूंगी कि वो मुझे खुद मुंबई बुलाए। दर्शकों मैं बता देना चाहती हूँ, गोरखपुर से अकेली आई हुई है यहाँ पे सभागार में, मुलाकात नहीं हुआ लेकिन फिर भी जो है इनके चेहरे पर शिकन नहीं है, भले आंखों में इनके आंसू है और ये जो है बहुत ही भावुक है और इनकी आशा है कि ये भी एक सिंगर बने और मुंबई जाकर अपना सपना पूरा करे, लेकिन इनका फैमिली के लोगों से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है और ना ही कोई जो है इनको सहायता कर पा रहा है। मैं चाहूंगा, आप सिंगर हैं तो मैं चाहूंगा कि एक जो है सोनू सूद के लिए कोई गाना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। मैं सबसे ये कहूँगी जितने दर्शक इस चैनल को देखेंगे कि आप सब प्लीज़ इतना शेयर करें, खुद सर के पास जाए और मुझे मुंबई आने का मौका मिले, और मैं सबको जितने मेरे दर्शक रहेंगे मैं सबको बहुत सारा प्यार देती हूँ, और मैं मीडिया वाले को बहुत दिल से धन्यवाद भैया करती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट किए। आप बताइए, आपके आंखों में आंसू नहीं, आंसू तो आंसू खुशी के हैं कि सर नहीं मिले, बट आप लोग से पहचान तो मेरी बनी, और मुझे आंखों में ये नहीं है कि मैं अरे मैं हार मानती तो यहाँ तक नहीं आती। सही बात, बिल्कुल नहीं आती। ये आंसू इसलिए है क्योंकि ये सपने के आंसू हैं, ये रोने के और हिम्मत हारने के आंसू नहीं है। मैं सबसे ये कहना चाहूँ, कोई भी हो, एक बार इंसान, हर इंसान एक जैसे नहीं होता है कभी भी जिंदगी में। अगर सर एक का सोच ऐसा होता तो मुंबई में हजारों लोग की डेली उनके गेट पे भीड़ नहीं लगता, और सबको गले लगाकर मिलते हैं और सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैं सबसे ये बताना चाहती हूँ, यहाँ लोग किसी की कोई जो होता है दिल की भावनाओं को कोई समझने वाला नहीं पाता है। और मैं चाहूंगी कि ये वीडियो सर के पास जरूर जाए, सोनू सूद सर आप ये वीडियो देखें, प्लीज मुझे मुंबई आने का मौका दे, मैं इस टैलेंट को दिखाना चाहती हूँ दुनिया के सामने। बस ये रहेगा कि मुझे एक सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी हाथ की ज़रूरत है सर, और इस पूरी जनता की ज़रूरत है मुझे, क्योंकि मैं आगे हर लड़की का सपना होता है, लड़कियां हर फील्ड में बढ़ सकती हैं, पढ़ाई, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब है आगे सब बढ़ने के लिए। ऐसा जरूर नहीं है कि हम हार मान के घर में बैठ जाएं और शादी कर लें और खाना बनाएं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां अपने आजकल की लड़कियां, हर लड़की को आगे होना चाहिए और अपने उद्देश्य के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। आपसे जानना चाहूंगा, आज आई हूँ, सोनू सूद से मुलाकात नहीं हुआ, बिहार के शान कहे जाने वाले मनीष कश्यप जी से मुलाकात हुआ कि नहीं? हुआ। उन्होंने बोले कि ठीक है मैं आप ज्ञान स्तरीय कोई विद्यालय कल आइएगा, क्योंकि मेरी बहन UPSC करना चाहती थी, मैंने उसके लिए भी बात किया, म्यूजिक के लिए भी बात करती, तो आप देखिए हमसे कहने वाले लोग बहुत कहें कि आप प्रूफ कीजिए, आप लोग ये बताइए जितने लोग मेरा गाना सुने इसमें क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ मैं करना? आपको दिखाई अपना सर्टिफिकेट, भैया दीजिए मेरा सर्टिफिकेट, दिखाइए सर्टिफिकेट इनका, दिखाइए। और इनका जो आवाज है वो नेहा कक्कर से कोई कम नहीं है, अगर इनको भी मौका मिले तो फ्यूचर में नेहा कक्कर जैसी सिंगर बन सकती है और अच्छा गा सकती है। दिखाइए सर्टिफिकेट जी, ये दिखाइए सर्टिफिकेट, ये रिज्यूम है इनका, एक सारा डिटेल्स इनका है, यहाँ दिखाइए, यहाँ दिखाइए, फोकस कीजिए, ये इनका जो है पूरा का पूरा डिटेल, और ये जो है जितना सम्मान इनको मिला है, जो प्रमाण पत्र है वो जो है इनका यहाँ पे आप देख सकते हैं, इतना सारा इनको जो है अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है। उसके बाद जहाँ से मैंने पढ़ाई किया, साथ में सिंगिंग भी तैयारी करती रही अपने आप से, वहाँ मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में मुझे सम्मानित किया 2018, यहाँ देखिए, और ये सारे मेरे सर्टिफिकेट मैंने जहाँ जहाँ पास किया है, जहाँ जहाँ परफॉर्मेंस किया, जहाँ जहाँ पास किया, उसका सारा जो है सर्टिफिकेट जो है आप देख रहे हैं मैं लाइन के माध्यम से। जी जी,
ये देखिए गोरखपुर यूनिवर्सिटी की है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी दीक्षांत का समारोह में मैंने पार्टिसिपेट किया था। काव्यांजलि ये गोरखपुर का है, दीक्षांत था, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। योगी जी आए थे, मैंने उसमें भी गाना गाया था मुझे। और ये देखिए इतना मैं उपाध्याय से मैंने बीए पास ही किया है, मैंने वहीं से पास बीए किया म्यूजिक से। और ये देखिए ओल्ड इज गोल्ड मैंने एडमिशन लिया है। सब लोग बोले कि आपको मुंबई जाना चाहिए, प्लीज गाइज आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने लाइफ में ऑडिशन दिया है और लोग कहते हैं कि आप अच्छा गाती हैं, अगर आप लोग सिलेक्शन करके आगे नहीं बढ़ाते नहीं ना ना ये यही तो होता है लड़कियों के साथ, यही होता है भैया। अगर आप रिकॉर्डिंग कराने जाते हैं कहीं, सुनिए मैं रियलिटी बता, रियलिटी शो की बात मैंने खुद दिया है, वहाँ लोग आपका सिलेक्शन हो गया 2 राउंड 3 राउंड देहरादून लोग दौड़ा है, उसके बाद क्या हुआ, बच्चे को 20,000-15,000 लाइए, शो रिकॉर्डिंग कीजिए, स्टूडियो में जाइए, फिर दीजिए, बताइए अगर कोई गरीब रहे तो कैसे बढ़ेगा आगे, आप खुद बताइए। अगर लोग कहते हैं वीडियो बनाइए, वीडियो आप कब तक बनाएंगे, सादा वीडियो, लोग कहते हैं म्यूजिक के साथ गाइए, बताइए आप आगे बढ़ाएंगे तभी तो म्यूजिक मिलेगा, तब ना सॉन्ग चलेगा, आप खुद सोचिए। तो मैं इसीलिए इसी फरियाद के लिए मैं सोनू सर के पास आई थी। आप रोइए मत, भावुक नहीं होना है। नहीं नहीं मुझे पूरा जोश के, आप यूपी या बिहार की बेटी हैं और यूपी बिहार के सारे लोग आपके साथ हैं, आप अच्छा गाना गाती हैं। और मैं चाहूँगा सोनू भैया, आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इस यूपी बिहार की बहन का आप मदद जरूर कीजिए, बहुत अच्छा गाती है और आगे तक जाएंगी। मनीष कश्यप जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने क्या कहा अंत में जाते समय? वो भी अच्छे हैं, हमें यहाँ सारे मीडिया को सपोर्ट करनी है। देखिए सारे लोग अपनी जगह पे अच्छे होते हैं, टाइम नहीं मिलता है। उन्होंने बोला कि ठीक है कल आप आकर बात कर सकती हैं, और मैं आके क्या कहूँ, क्योंकि आप लोग मिल गए हैं और वो चले गए। उन्होंने सहयोग राशि भी आपको दी थी? हाँ, कितना दिया? 1,000 रुपए दिया, क्योंकि रात का मामला हो गया, मैं कहाँ रुकूँ अकेली लड़की, तो इसी वजह से मैंने कहा कि सर मेरा हेल्प कर दीजिए होटल का व्यवस्था, क्योंकि आप ही सोचिए एक लड़की भटकेगी नहीं ना, आप खुद सोचिए। इसीलिए मैंने सर उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ सर, क्योंकि उनके लिए कुछ सुनाना पूरी चाहिए? पूरी बात वो सुनी, मैं पूरी बात सुनी नहीं पाए, जल्दी में थे सर, तो इसीलिए मैं इस मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहती हूँ। अब मनीष कश्यप भैया आपसे भी मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, बड़े भैया और आपने मेरे सर पर हाथ रखा है, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस यूपी बिहार की बहन की आपने अगर मदद करने के लिए ठाना है तो इनको अच्छा प्लेटफॉर्म दिलवाइए और थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, क्योंकि बहुत अच्छा गाती है। के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सिंगिंग और डांसिंग ऐसी चीज है कि लोग गुमराह करते हैं, पैसे लेते हैं। रियलिटी शो बहुत सारे दी हूँ, अब मुझे पता है, मुझे अभ्यास हो गया, इसीलिए मुझे रोकते थे लोग कि मत जाइए। मैंने कहा कि सोनू सूद जब करोड़ों लोग की लाखों लोग की मदद कर सकते हैं, तो क्या इस बहन की मदद नहीं कर सकते हैं सर? आप लोग खुद सोचिए। जो आपने फील किया है ऑडिशन का चीज, मैंने भी फील किया है, ये आपको बताने की जरूरी नहीं है। मैं दर्जनों फिल्म में मैं काम करता हूं। ऐसा नहीं है कि लोग बोल रहे हैं कि आप ऐसे नहीं, ऐसे ऐसा कुछ नहीं होता, आप उस चीज से गुजरे तभी तो बता रहे हैं। जरूर जरूर, अगर जो जिस चीज में अगर नहीं सक्सेस पाता है उसके साथ क्या हुआ रहता है, खुद लोग फील करके बताते हैं कि आगे होने वाली कोई भी हो किसी के साथ हो सकता है, और हर इंसान को एक अच्छी प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। लेकिन और सबसे पहले अगर मुझे म्यूजिक में मौका मिलता है तो मैं सोनू सर के लिए गाना गाऊंगी, रिकॉर्डिंग करूंगी, स्टूडियो में मुझे देंगे मौका, मैं रिकॉर्डिंग करके स्पेशली गाऊंगी और बिहारी लोग का भी नाम लूंगी जरूर। मनीष कश्यप भैया के लिए कुछ हो जाए संगीत, अगर आप सिंगर हैं। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, कुछ दो लाइन हो जाए जी। हमें और जीने की क्या बात, चाहत न होती, अच्छा, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। आपका आवाज पूरा का पूरा नेहा कक्कर से कम नहीं आ रहा है। मैं चाहूंगा कि नेहा कक्कर जी का कोई एक संगीत हो जाए उस आपकी आवाज में। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत के लकीरों से,
मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत के लकीरों से। क्योंकि नेहा कक्कर मैम मेरी फेवरेट हैं और मैं बहुत उनको मानती हूँ। और दिल्ली जिस समय ऑडिशन हुआ था इंडियन आइडल में जाने पे मेरा पेपर था, क्योंकि मैं एमबीए भी करती हूँ और इसीलिए मैं जाने पढ़ाई भी करती हूँ और पोस्ट ग्रेजुएट भी करी, मतलब सेकेंड सेमेस्टर है। और मैंने हम मैम को बहुत मानती हूँ। श्रेया घोषाल मेरी मैम है और मैं लता जी का गाना बहुत पसंद करती हूँ। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अब मनीष कश्यप भैया हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, और सोनू सूद भैया अगर आप हमारा गमछा अगर ओढ़ सकते हैं, और मनीष कश्यप भैया अगर आप हमको छोटा भाई मान सकते हैं, तो इनको भी अपने छोटा बहन मानकर इनको जरूर सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए, क्योंकि बहुत ही मेहनती और लगनशील है, साथ ही इनका आवाज़ जो है सुमधुर है। अगर इनको सपोर्ट किया जाए तो भविष्य का स्नेहा कक्कर और लता मंगेशकर जी ये जरूर बनेंगी और जो है इंडस्ट्रीज में अच्छा पहचान बनाएंगे। बाकी हम आपके मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, आप हमारा नंबर ले लीजिए, जब भी जरूरत होगा पटना में रहेंगे, कॉल कीजिए। पहले मैं पूरे जनता से ये कहना चाहूंगी कि आप सब सपोर्ट करेंगे तो पूरे लोग करेंगे, और बिहार के लोग मुझे स्पेशल सपोर्ट किए, मैं यहाँ आई हूँ, मेरा पहचान बना है, मैं आप लोग को कभी भूलूंगी नहीं और हमेशा आप लोग मुझे याद करेंगे, मैं जरूर आऊंगी। और बाकी मैं चाहूंगा थोड़ा इधर भी दिखा दीजिए, जितने हमारे मीडिया भाई लोग हैं, मैं चाहूंगा सब लोग जो है इनका जो इंटरव्यू लीजिए और सपोर्ट लीजिए, क्योंकि अभी तक लग रहा है कि हम लोगों के अलावा जो है हम लोगों के अलावा कोई और इंटरव्यू नहीं लिया है, हम ही लोग लेंगे, इनको वायरल करेंगे। और बिहार से ही हर चीज वायरल होता है कि नहीं होता है, बिहार से हर वायरल होता है और आपको भी वायरल कर देना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग को सपोर्ट मिलेगा बिहार के भाई लोगों से तो मैं जरूर आगे बढ़ूंगी। और यहाँ के बिहार की धरती माता को धन्यवाद कि मैं यहाँ आई और मेरी पहचान बनी आप लोग से, क्योंकि आप लोग ही पहचान है सर, और सबसे पहले जो पहचान बनाता है वही सबसे बड़ा भगवान होता है। तो मैं ऑल मीडिया को ये कहना चाहूँगी कि आप सब मेरे भगवान बने, और सोनू सूद सर इस वीडियो को देखे तो जरूर बुलाएं और जरूर मैं सबसे मिलूं। जरूर हम भी आशा करते हैं। बाकी आपने मुझे टाइम दिया और अपना टैलेंट दिया दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आप देख रहे थे हमारे साथ जो है यूपी की और बिहार की बेटी थी, आप लोग इनका सपोर्ट जरूर कीजिए, और हो सके तो सोनू भैया मनीष भैया इनका सपोर्ट कीजिए। बाकी आप लोगों को हम इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जरूर टैग करूंगा। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज, और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद। बिल्कुल धन्यवाद। मोबाइल दीजिए।